आज की मांग 261। महान बनने के लिए प्रथम सच्चा मानव बनना जरूरी है। मैं और आप महान बनने के लिए सदैव सोचते हैं, चाहते हैं, लेकिन महान बनने के सपने देख रहे हो तो सबसे पहले एक बार सच्चा मानव तो अनिवार्य बनना ही होगा। बिना मानव बने आप कभी सही मायने में महान नहीं बन सकते। देखिए, इस दुनिया में बहुत ज़्यादा संपत्ति हो, धन हो या प्रसिद्धि हो, लोग उसको महानता मानते हैं। मेरी दृष्टि से वो महानता इतनी ही अच्छी है जितनी भैंसाओं में एक सर्वश्रेष्ठ भैंसा की होती है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। मानव का सबसे पहला कर्तव्य है हम सुखी हो और दूसरों को भी हम सुखी करें। लेकिन इन दोनों में जब मुकाबला हो जाए, तब यदि मुझको सुख मिले या न मिले, लेकिन मेरी वजह से और किसी को दुख कभी नहीं मिलना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जहाँ तक हो सके मैं सबको सुख बांटूंगा, ये मानवता है। और महान बनने के लिए इससे भी बहुत आगे जाना है। यदि हम मुमुक्षु बन पावे, हमको मोक्ष की इच्छा हो, ज्वलंत इच्छा हो, बर्निंग डिजायर के साथ हम मोक्ष पाने के लिए आगे बढ़े, और मोक्ष का हमारी दृष्टि से सही सही अर्थ है प्रभु पुरुषोत्तम नारायण को पाना, वो महानता का सेकंड स्टेप है। और एक दिन ऐसा आए कि हम पुरुषोत्तम नारायण को पा करके उनके महामुक्त भी बन जाए, जैसे गोपालानंद स्वामी बने हैं, जैसे दादा खाचर बन गए हैं। यदि ऐसी महानता हमको प्राप्त हो, वो ही सही अर्थ में महानता मिली है, और सब महानता स्वप्न से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। लेकिन याद रखिए, इन सभी प्रकार की महानता प्राप्त करने के लिए बेज के रूप में यदि और किसी की जरूरत हो, वो है मानवता। मैं और आप यदि मानवता गवा करके और कुछ भी पाने के लिए चाहते हैं तो हम पशु हैं, और दूसरों को दुख दे करके भी मैं और आप महान बनने के लिए सोचते हैं तो हम राक्षस हैं। वो नरक में जाने का रास्ता है। इसलिए मानवता आत्मसात करनी होगी।